हेलो गाइस, अभी हम लोग ये कंसील फिटिंग कर रहे हैं जो के 3 लैंप की। और आप लोग को बता दूँ, अभी हम लोग ने जो कटर मशीन चलाया है, यहाँ पर 3 मॉडल का जो मोटर का बोर्ड आएगा। और आप लोग को बता दूँ, ये 3-वे जंक्शन बना के हम लोग ने ये ऊपर लिए, इसका वायरिंग 8 mm का जीरी मारा है। ओके गाइस, तो आप लोग को बता दूँ, अभी हम लोग ये तीसरा लैंप का, दूसरा लैंप का जो कंसील फिटिंग हम लोग ने, देखो ये 8 mm का इधर भी जीरी मारा है, होल मार के ऊपर लिया हम लोग ने, जो कि मशीन चलाया नहीं। ओके गाइस, और आप लोग को बता दूँ, सर अभी हम लोग ने यहाँ पर भी जो तीसरा हम लोग ने यहाँ पर भी होल मार के ऊपर लिए, इसके अंदर जीरी नहीं मारा। ओके गाइस, तो आप लोग को बता दो, अभी हम लोग ये जो ब्रेकर मशीन से हम लोग इसको, जो कटर मशीन चलाया है वॉल पे, तो अभी हम लोग इसको जो ये ब्रेकर मशीन से हम लोग ने कोर लिए दीवार को। ओके गाइस, और आप लोग को बता दो, अभी हम लोग ने जो टोटली हमारा ये कोरना हो गया ब्रेकर से, तो अभी हम लोग इसका वायरिंग भी कैसा करते हैं। और आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके गाइस, देखो यहाँ पर भी हम लोग ने दीवार को कोर लिए। और आप लोग को बता दो, ये 3 मॉडल का हम लोग ने बोर्ड भी कोर लिए। और आप लोग को बता दो, ये 3-वे जंक्शन से हम लोग ने यहाँ पर जो 8 mm का जीरी मारता ये भी कोर लिए। ओके गाइस, तो आप लोग को बता दो, ये दूसरा लैंप भी आप लोग को बता देता हूँ। देखो अभी हम लोग ने 8 mm का ही कटर मशीन चलाते ही 8 mm की जो जीरी मारता वो कोरे गई थी। ओके गाइस, और अभी हम लोग ने यहाँ से लेकर 8 mm की जो जेरी मारा है, ये फ्लोरिंग से लेकर सीधा ये यहाँ पर अभी हम लोग 8 mm पाइप फ्लोरिंग पे रखेंगे हम लोग, तो यहाँ से 8 mm का जो जेरी मारा है यहाँ से होल मार के ऊपर लिए। ओके गाइस, और आप लोग को बता दो, ये जो वायरिंग दिख रही है आप लोग को, ये गेट लैम्प की हम लोग ने एक गाठी मारा है 1 mm की। और जो ये दूसरी रेड वायर दिख रही है आप लोग को, ये बेल की 2 वायरें, एक फेज और एक बेल की वायर। जो येलो वायर दिख रही है ये अर्थिंग की वायर है, और जो 2 ब्लू वायर दिख रही है ये मोटर की वायर है, न्यूट्रल और फेज। ओके गाइस, ये देखो आप लोग को बता दूँ, ये दोनों हम लोग ने बेल की वायर रखा है। ओके गाइस, और आप लोग को बता दूँ, अभी हम लोग ने जो एक केसिंग पट्टी दिख रही है आप लोग को, यहाँ से सीधा हम लोग ने ये मोटर का पॉइंट और जो गेट लैम्प का जो वायर है, तो अभी हम लोग ने ये देखो इसके अंदर से एक सिंगल वायर ली है। और जो ये मोटर का न्यूट्रल का न्यूट्रल की मार्किंग भी करे हम लोग ने, न्यूट्रल और फेस की, और न्यूट्रल की मार्किंग कैसे करे आप लोग को बता दूँ। देखो अभी हम लोग ने एक टेप की मार्किंग कराई जो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर। ओके गाइस, तो ये मार्किंग समझ में आई न्यूट्रल की वायर। ओके गाइस, तो अभी हम लोग ने यहाँ से लेकर सीधा ये ओपन पाइप लेंगे नीचे हम लोग, तो आप लोग को बता दूँ, अभी हम लोग ये जो पाइप 19 mm का पहले से जो ओपन फिटिंग थी, तो अभी हम लोग वही पाइप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अच्छी पाइप है। ओके गाइस, तो आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ये आप लोग को बता दो, देखो अभी हम लोग ने वायर पुरा दिए पाइप के अंदर। और अभी हम लोग के जो 25 mm का जो शटल है, तो अभी हम लोग को PVC जो शटल है तो इसके अंदर ठोक देते हैं, तो ये अच्छे से फिटिंग हो चुका है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग के जो यहाँ पे देखो टुकड़ा लगेगा थोड़ा पाइप का, तो अभी हम लोग ने पाइप पुरा दिए। और आप लोग को बता दूँ, अभी हम लोग ने जो गेट लैम्प की जो वायर है, तो जो ये 2 वायर दिख रहे हैं आप लोग को, तो अभी हम लोग यहाँ से लेकर सीधा ये जो लैम्प आएगा तो 10 mm का फ्लेक्सिबल पुरा कर हम लोग ये वायर के अंदर अटैच कर देंगे। ओके गाइस, और आप लोग को बता दूँ, अभी हम लोग जो 2 वायर दिख रही है, ये 2 वायर के अंदर अभी हम लोग ने ज्वाइंट मार के इसके अंदर से लेकर सीधा ऊपर लिए। और आप लोग को बता दूँ, अभी हम लोग ने जो ज्वाइंट मारा है ये जंक्शन के अंदर रहेगा। और आप लोग को बता दूँ, ये जो 10 mm का जो पाइप है, तो अभी हम लोग इसके अंदर पुरा कर जो ये 8 mm की जो जेरी मारा है 10 mm की, तो अभी हम लोग इसके अंदर जेरी के अंदर दबा देंगे। ओके गाइस, ये देखो अभी हम लोग ने इसके अंदर दबा दिए, ये फाइनल हो चुकी है वायरिंग। तो आप लोग को बता दूँ, हम लोग ने जो वायर लिए यहाँ से पास करके जो दूसरा लैंप है, तो उसके अंदर लेके आएंगे हम लोग। ये देखो अभी हम लोग ने यहाँ पर लेके आए 2 वायर, तो आप लोग को बता दूँ, अभी हम लोग ये 2 वायर को और इसके अंदर ज्वाइन मार के दूसरे लैम्प की वायरिंग लेंगे। ओके ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ से लेकर पास कर लिए इधर, तो आप लोग को बता दूँ, अभी हम लोग ने ज्वाइन मार के देखो जो 4 वायर हो गई यहाँ पर, तो अभी हम लोग 2 वायर ऊपर ले लेते हैं। और जो दूसरी वायर है देखो अभी हम लोग ने इधर ऊपर ले लिए। और यहाँ से लेकर जो 2 वायर दिख रही है आप लोग को 10 mm का जो फ्लेक्सिबल है, यहाँ से लेकर अभी हम लोग ये जो जीरी दिख रही है इसके अंदर पुरा कर ये होल के अंदर से ऊपर ले लें। ओके गाइस, तो देखो अभी हम लोग
हम लोग ने जंक्शन का जक्कन भी लगा दिए, वायरिंग भी फाइनल हो चुकी है। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके गाइस।